गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये है फाइंड पे. हमको क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे आपको इस तरीके से आएगा कि फाइंड द फॉलोइंग. सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हैं फाइंड पे. और जो हमारा जो ये वीडियो है ये क्लास सेवन्थ का वीडियो है और ये फिफ्थ लेक्चर है. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो है 3/8 ऑफ 64. अब आपको सिंपल सा काम है, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ का मतलब ही होता है कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो 3/8 × 64. अब आप यहाँ देखिए कि 64 जो है उसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे जब कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे 1. अब ये देखिए कि हमको यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसके पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें से कोई नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो डिवाइड कैसे करते हैं हम यहाँ पे, कि जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को हम चेक करते हैं कि ये दोनों में से किसी से डिवाइड हो सकता है क्या. तो 3 को हम चेक करेंगे कि 8 या 1 से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या. तो हम देखेंगे कि 3 ना तो 8 से होगा और ना ही 1 से होगा. नेक्स्ट नंबर है 64. सो 64 को हम देखिए कि 8 से हो रहा है कि 1 से हो रहा है. सो 8 जो है 64 जो है वो 8 की टेबल में आता है. 64 जो है मल्टीपल है 8 का, तो हम सॉल्व कर देंगे. सो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64. सो जो 64 है वो 8 बन गया यहाँ पे. तो हम बाकी नंबर्स जो है हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे. सो जो हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो है 3/1 × 8/1. सो 3/1 × 8/1. सो अब हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो है हम इसको अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 8 × 3 = 24/1. सो इसको हम सीधे या तो फिर हम 24 भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और इसको अपनी कॉपीज में फेयर कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/9 of 81 rupees. अब हमको 7/9 निकालना है इसका. 81 का 7/9 पार्ट कितना होता है, तो हमको फिर पता है कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. तो हम इसको कर लेते हैं आगे. सो 7/9 × 7/9 × 81/1, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम 1 लगा देंगे. तो अब आप चेक करिए कि इसमें से हम किन दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. 7 जो है वो 9 और 1 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो 81 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा. सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81. सो जो हमारे पास जो नंबर बचे हैं यहाँ पे, सो वो बचा है 7/1 × 9/1. अब और ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे. तो 7 × 9 = 63 upon 1 × 1 = 1. यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 63 rupees. सो 63 rupees जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर. सो ये एक अगला क्वेश्चन है, इसको आप पूरा सॉल्यूशन इसका आप नोट कीजिए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/11 of 3/10. अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो 3 है वो एक होल नंबर है. यहाँ पे जो 3 एक होल नंबर है, इसके साथ 3/10 है. सो 3 3/10 जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम प्रॉपर में.
सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 2/11, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, सो 3 × 10, सो 3 × 10 इज 30, 30 + 3 विल बी 33/10। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाया हो गया हमारे पास 2/11 एंड 33/10। अब हमको ये देखना है कि कितने नंबर कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। सो 2 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। जो नेक्स्ट नंबर है वो है 33, सो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा 33। तो हमारे पास जो बचा वो बचा है 1/1, यहाँ पे दोनों नंबर डिवाइड हो गए, into 3/5, ये नंबर हमारे पास बचे हैं। सो 3 × 1 इज 3 एंड 5 × 1 इज 5, सो 3/5 विल बी द आंसर। सो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2/3 और 4/5। अब इसमें अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, 2/3 × 4/5। अब इसमें हमारे पास आप देखिए कोई भी नंबर कैंसिल होने वाला नहीं है, जो 2 है वो 3 और 5 दोनों से कैंसिल नहीं होगा, और 4 जो है वो 3 और 5 से कैंसिल नहीं होगा। सो हमको इसमें कैंसिल करने लायक कुछ नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 × 2, 4 × 2 इज 8/3 × 5 इज 15, सो 8/15 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 4 1/5 ऑफ 7/6। सो अब आपको यहाँ देखना है कि ये नंबर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 5 × 4, 4 5 ज़ा 20, 20 एंड 1 इज 21, सो 21/5 इंटू 7/6। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 21 जो है वो नाउ 5 से डिवाइड होगा, नहीं वो 6 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 की टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको जो कर देते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। सो जो हमारे पास जो अब नंबर बचे हैं वो बचे हैं 7/5 इंटू 7/2। अब इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये इससे ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49/5 2 ज़ा 10, सो 49/10 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए जल्दी से। जो हमारी क्लास में जो आज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि जब हमको ऑफ दिया रहता हो तो हमको किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। जो मैं आपको काम करवाता हूँ, जो मैं आपको बोर्ड पे जो वर्क कराता हूँ मैथ्स का, वो
वो मैथ्स की जो बुक है वो आपकी बुक है मैथ मैट्रिक्स करके, ये बुक है आपकी मैथ मैट्रिक्स, अगर आप देख सकते हैं। सो ये बुक जो है 7th क्लास की, यही बुक है टेक्स्ट बुक आपकी जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं राजीव शर्मा और नम्रता जैन, है ना। मैं आपको बुक का नाम यहाँ लिख देता हूँ, ये है क्लास 7 की मैथ मैट्रिक्स। सो ये बुक का नाम है, आपको होमवर्क भी इसी बुक से दिया जाएगा, और जो होमवर्क है वो आपको वीडियो के बाद एक फोटो इमेज में आपको होमवर्क मिल जाएगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।